इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कल दूल्हा बनने जा रहे हैं। जी हां, शादी करने जा रहे हैं भगवंत मान। बता दें, पंजाब के सीएम मार्च में बने हैं और जुलाई में वो शादी करने जा रहे हैं। ये दूसरी शादी होगी भगवंत मान की, इससे पहले उनका तलाक हो चुका है। बताया जाता है कि पहली शादी उनकी इसलिए नहीं चली क्योंकि उन्होंने पंजाब की जनता को वक्त देने का फैसला किया था, परिवार को नहीं। दोनों पति पत्नी के बीच मतभेद थे जिसके बाद उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली गई थी और फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों ने तलाक ले लिया था। बता दें, भगवंत मान की पहली पत्नी अमेरिका में रहती है और अपने दो बच्चों के साथ वो अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही है। इतना ही नहीं, जब भगवंत मान ने शपथ ली थी उस कार्यक्रम में उनके दोनों बच्चे शामिल भी हुए थे। बहरहाल, अब एक बार फिर भगवंत मान ने दूल्हा बनने का फैसला लिया है। वो काफी वक्त से डॉक्टर गुरप्रीत नाम की लड़की को डेट कर रहे हैं और अब दोनों ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक करते हुए शादी करने का फैसला किया है। बता दें, चंडीगढ़ में इस शादी समारोह को आयोजित किया है और इसकी जिम्मेदारी किसी और ने नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघव चड्ढा ने ली है। राघव चड्ढा इस बात का भी भरपूर ख्याल रख रहे हैं कि इस कार्यक्रम को गुप्त रखा जाए, कानों कान इसकी खबर किसी को ना हो। वैसे आपको बता दें, ये जो सीक्रेट वेडिंग होने वाली है इसमें बेहद खास लोग शामिल होंगे। बहुत ही लो प्रोफाइल में ये शादी हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने अपने परिवार के साथ इस शादी में शिरकत कर सकते हैं, ये खबर मिल रही है। यानी कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के साथ साथ भगवंत मान के करीबी दोस्त और इनके परिवार, डॉक्टर गुरप्रीत के परिवार इस शादी में शिरकत कर सकते हैं। उनके अलावा किसी को भी न्योता नहीं दिया गया है। बहुत सादे तरीके से शादी होगी, सुरक्षा का खासा ख्याल रखा जाएगा, पंजाब में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। बता दें आपको, 2014 में संगरूर लोकसभा से जब वो सांसद चुने गए थे तब उनकी पहली पत्नी इंद्रजीत ने उनके लिए प्रचार किया था, लेकिन 2016 में दोनों के बीच तलाक हो गया था। उस वक्त भगवंत मान ने खुद आगे आकर कहा था कि उन्हें पंजाब और परिवार में से एक को चुना था, इसलिए उन्होंने पंजाब को चुना। उनके इस बयान ने ही साफ तौर पर दिखा दिया था कि दोनों पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। राजनीतिक करियर को लेकर और निजी करियर को लेकर भगवंत मान फंसे हुए थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी राजनीति को आगे ले जाने का फैसला किया। लेकिन अब खबर मिल रही है कि जिस लड़की को वो पिछले कई साल से डेट कर रही है उसके साथ सात फेरे लेने का फैसला उन्होंने कर लिया है। सोशल मीडिया पर उनकी होने वाली पत्नी की तस्वीरें भी ज्यादा वायरल हो रही हैं। बताते चले आपको, वो पेशे से डॉक्टर हैं। खैर, अब बहुत सादे तरीके से सिक्योरिटी के बीचों बीच बहुत गुप्त तरीके से भगवंत मान की शादी होगी। जो भी अपडेट इस पूरे मामले पर आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।